पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो हम डेविएंस करने लगे। डेविएंस का मतलब ये होता है कि जो आपको बता दिया गया है ना कि इन नॉर्म्स को आपने फॉलो करना है, तो आप उससे डेविएट कर जाते हो, मतलब आप उसके कॉन्ट्रडिक्टरी जाना शुरू हो जाते हो। आप इस चीज के इनकारी हो कि आप लॉ को नहीं मानोगे, ठीक है? तो इट ठीक है मीन्स जी, आपने क्राइम कमिट किया है। एज ए चलिए सोसाइटी सोसाइटी एट लार्ज, अगर आप नॉर्म्स की वायलेशन करोगे तो ये क्राइम कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया? जी, अच्छा जी, इंट्रो आपको स्क्रीन से ही नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल तो नहीं सही है? आ रही है जी। नहीं जी, नॉट एट ऑल। ठीक। डेविएंस, इंट्रोडक्शन। डेविएंस इज वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। डेविएंस इज ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। डेविएंस इज ब्रेकिंग सोशल मैनर्स, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज। इट इज अगेंस्ट द सोशल मैनर्स ऑफ फैमिली एंड मैरिज। इट इज द ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस एंड ब्रेकिंग द लॉ ऑफ स्टेट, कमिटिंग क्राइम्स। एनी वायलेशन ऑफ नॉर्म इज डेविएंस। इट नेचुरल दैट मैन डेविएट्स फ्रॉम नॉर्म्स। ये क्लियर है इंट्रोडक्शन? कोई बिल्कुल सही एमबीए है जी, पेपर कोई नहीं तरीका बिल्कुल यही सही। है। देखिए, इंट्रो से कंक्लूजन ही आपने क्वेश्चन बनाना है, तो कोशिश मैंने ये की है कि आपका जो हैंडआउट है ना, सिंपल से सिंपल हो, ताकि याद करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है? बिल्कुल सही है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्म, हाँ जी। इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक आप इसमें डिफाइन कर रही हैं, उसको आप इधर इंटरप्रेट करेंगी। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी हवाला दे सकती हैं, या मैंने यहाँ पर मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी दे दिया, क्योंकि वो चेक नहीं करते इतनी बारीकबीनी से कि हवाला कौन सा है, ठीक है? ठीक है डेवियन जी, क्वालिटी, स्टेट और बिहेवियर। डेफिनेशन ऑफ टर्म डेवियंस। हॉटन एंड हंट, एनी फेलियर टू कंफर्म टू कस्टमरी नॉर्म्स। जब कस्टम्स की आप कंफर्मिटी में नहीं जाते, कॉन्ट्रडिक्टरी में जाते हो, तो उसे डेवियंस कहते हैं। ठीक है जी। वेस्टर्न बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट और सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ गिवन ग्रुप और सोसाइटी डिफाइंस डेवियंस। अब डेवियंस एंड कल्चर का आपस में ताल्लुक है, क्योंकि कल्चर क्या होता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जब आप यस उसको वायलेट करोगे तो इट मींस आपने कल्चर और नॉर्म्स को डेविएट किया, ठीक हो गया? उसके बाद ठीक हो गया। डेविएशन एंड सोसाइटी का भी ताल्लुक है, क्योंकि देखें, आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही तो नॉर्म्स को डिवेलप करते हो और ऑर्गेनाइज वे में उसको फॉलो करते हो, उन्हीं को आप जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इट मींस डेविएशन हो गया, और अफरा तफरी की वो मतलब हालत हो जाती है, इंटीग्रेशन, हर चीज मुंतशिर हालत में आपको मिलती है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है? ठीक है। डेविएशन ऑफ नॉर्म्स हैपेंस इन सोसाइटी। बाय दिस एक्ट द बॉन्ड्स ऑफ सोशल आर ब्रोकन, द सोसाइटी फेसेस डिसऑर्गेनाइजेशन व्हिच लीड्स टू इंटीग्रेशन एंड चॉइस, ठीक है? अब हम कॉज लगते हैं डेविएशन के, जैसे कि ब्रोकन फैमिली है, आपको इम्प्रॉपरली आपने सोशलाइज किया है, उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन में, रिलीजियस एजुकेशन आपको नहीं दी गई, मोरालिटी की कमी है, या नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई, ठीक है? या मोरल रिलीजियस वैल्यूज की तरफ डिक्लाइन नजर आ रहा है, या अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हुए नजर आते हैं, डिजायर है, या कोई अगर चाइल्ड है तो वो पेरेंटलेस है, मास मीडिया भी आ जाता है इसमें, या अर्बन स्लम भी आ जाता है। तो ये कई ऐसी कॉजेज हैं जो डेविएशन की वजह बनती हैं, ठीक हो गया? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे अर्बन स्लम्स को? अर्बन स्लम्स मीन्स के जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई है, डिप्रेशन का दौर जा रहा है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की मिसाल ली जाए, कारोबार उस तरह तरक्की नहीं कर रहे, फ्लोरिश नहीं कर रहे, तो वो एक अर्बन स्लम नजर आता है, हर चीज डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही है, ठीक हो गया? ये एक एक लाइन में आपने जस्ट इसको आगे लिख देना है, क्योंकि लॉ में सॉरी टू से ज्यादा अहमियत पता किसको दी जाती है, जिसके सफे ज्यादा बड़े हों, लेकिन मेरी यहाँ पर सफे जितने ज्यादा लिखेंगे ना उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप फील्ड में आए ना, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपने डिग्री के अलावा भी प्रैक्टिकली काम करना है, ठीक है? तो एक एक लाइन में आपने इसको लिखते जाना है कि ये कॉज है डेविएशन की, या आप उसको मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अब हम थ्योरीज पढ़ने लगे हैं कि डेवियंस को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का मतलब ये है, ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि जो आपका एक क्रिमिनल बिहेवियर होता है ना, वो आप किसी से इंटरेक्ट करके सीखते हो। क्रिमिनल बिहेवियर भी एक लर्निंग प्रोसीजर के तहत डेवलप होता है, कि जैसे कि अगर आपको ये सिखाया जाता है कि आपने चोरी कैसे करनी है, झूठ बोलो तो आपको ये फायदा होगा, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ आप में डेवलप होना शुरू हो जाती है, और यही बात डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में बताई गई है। ये स्विट्जरलैंड है, उन्होंने ये इस
इस थ्योरी को डेवलप की है. डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इज अ क्रिमिनोलॉजी थ्योरी दैट लुक्स एट द एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल एज लर्न बिहेवियर्स. एडवर्ड ए. सदरलैंड इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इन 1939. सदरलैंड अ सोशियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर most of his life develops differential association theory to explain how it was that criminals came to commit acts of deviant behavior. ki unhone ye cheez explain karne ki koshish ki hai ki kis tarah se unme ye tendency pai jati hai ki deviant behavior ki taraf unka rujhan zyada badh jata hai, kis tarah se wo learn kar rahe hain isko. With his fourth edition of his book Principles of Criminology in 1947, Sutherland finalizes his theory that deviant behavior is socialized through lack of opposition to such behavior. Lack of opposition का मतलब ये है कि जैसे देखें आप झूठ बोलेंगी मैं आपको कुछ नहीं कह रही तो आप ये देख रही हैं ना, हाँ आपको रोकता कोई नहीं है, आपको ये नजर आ रहा है कोई opposition है ही नहीं है कि मुझे इस चीज से रोके, तो deviant behavior automatically socialize होके आपके अंदर develop हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. Characteristics. Criminal behavior is learnt in interaction with others in a process of communication. Differential association vary in frequency, duration, priority and intensity. मतलब हर circumstances के लिहाज से इसका जो impact होगा वो मुख्तलिफ पाया जाएगा. ठीक है. Learning criminal behavior occurs within primary groups, family friends, peers, their most intimate personal companions. सबसे पहले तो उसने प्राइमरी ग्रुप की बात की. प्राइमरी ग्रुप में कौन आता है? आपके पर्सनल रिलेशन, आपके फैमिली मेंबर्स, ये जिनके साथ आपका बड़ा करीबी गुर्बत पाई जाती है, तो उससे आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पाई जाती है क्रिमिनल बिहेवियर की. आगे है, लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स लर्निंग द टेक्निक्स, मोटिव्स, ड्राइव्स, रैशनलाइजेशंस एंड एटीट्यूड्स. मतलब आप ऐसे तरीकेकार सीखते हो कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हो. ठीक है. The specific direction of motives and attitudes is learned from definition of the legal codes as favorable or unfavorable. एक तो ये है कि जब अगर मैंने कत्ल करना है ना, तो उस specific direction में जाने के लिए मैं ये देखती हूँ कि ये motive किस हद तक मेरे लिए favorable रहेगा और unfavorable रहेगा. बिल्कुल सही. उस लिहाज से tendency. A person becomes criminal when there is an excess of definition favorable to violation of law. Over definition unfavorable to violation of law. जब आपको मैं ये सिखाऊंगी कि आपके इस गलत काम करने के नतीजे में वो आपको फेवर दे रही है, मतलब opposition कोई नहीं है, तो tendency वहाँ पर ज्यादा होगी, मतलब आप favorable tendency की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. Keywords आप change कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Although criminal behavior is an expression of general needs and attitudes, criminal behavior and motives are not explained nor excused by the same needs and aptitudes, since non-criminal behavior is explained by the same general needs and aptitudes. देखें जो आपकी ख्वाहिशात हैं, इससे भी जरिए पता चलता है कि आपका criminal behavior, जब एक desire और आपकी जो available resources में जैसे कि एक unbalanced uncertainty पाई जाती है, उससे भी पता चलता है, वो उसका इजहार है. ठीक है. ठीक है जी. इसके बाद हम ये पढ़ने लगे anomie theory. अनोमी थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे आप चाहती हो कि आपने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है ना आपकी डिजायर्स में और आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज में, उसी डिफरेंस का नाम अनोमी थ्योरी दिया गया. ठीक है. ठीक हो गया जी. ठीक. अनोमी रेफर्स टू द कन्फ्यूजन दैट अराइजेज व्हेन सोशल नॉर्म्स कॉन्फ्लिक्ट और डोंट इवन एग्जिस्ट. इन द 1960s Robert Merton used the term to describe the differences between socially accepted goals and the availability of means to achieve those goals. हमें कहते हैं ना कि हमें ये बता दिया जाता है मेहनत करोगे तो आप ये चीज अचीव कर लोगे, और आप कोई चीज अचीव भी करना चाह रहे हो जल्दी, तो उसके कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में वो चीज डेवलप हो जाती है. The primary contribution of anomie theory is its ability to explain many forms of deviance. The theory is also sociological in its emphasis on the role of social forces in creating deviance. On the negative side, anomie theory has been criticized for its generality. अच्छा, ये कहते हैं कि सब पे generally applicable है, बल्कि जो criticism किया गया वो कहते हैं ये ना specific term में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हो नहीं सकता कि सब generally इसकी वजह से मुतासिर होते होंगे. ठीक है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो next theory है deviance में, वो control theory है. देखें हमारे जो inner है, हमारी consciousness है, हमारा जो ज़मीर है, और जो आउटर में डिफरेंट लॉज
ये डिफरेंट कस्टम्स डिवेलप कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमें कंट्रोल में रखा जाता है, मतलब जैसे हमारा अंदर का जमीर कह रहा है ये काम गलत है ये नहीं करना, ठीक है, और आउटर कंट्रोल भी अवेलेबल है कि जैसे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए कि ये काम करने की इजाजत नहीं है, तो इसके जरिए हमें कंट्रोल किया जाता है। लेकिन बाजू का क्या होता है कि आप उससे भी डेविएट कर जाते हो, सेल्फ कंट्रोल हो गए आप किसी और टेंडेंसी की तरफ चले जाते हैं, इसे हम कंट्रोल थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉटर रेकलेस कंट्रोल थ्योरी बोथ इनर एंड आउटर कंट्रोल्स वर्क अगेंस्ट डेविएंट टेंडेंसी, पीपल मे वॉन्ट एटलीस्ट सम ऑफ द टाइम टू एक्ट इन डेविएंट वेज बट मोस्ट डू नॉट, दे हैव वेरियस रिस्ट्रेंट्स इंटरनल कंट्रोल्स सच एज कंसाइंस वैल्यूज इंटेग्रिटी मोरालिटी एंड द डिजायर टू बी अ गुड पर्सन, एंड आउटर कंट्रोल सच एज पुलिस फैमिली फ्रेंड्स रिलीजियस अथॉरिटीज, तो डिफरेंट ये फॉर्मेट्स पाए जाते हैं आपको रिस्ट्रेन करने के लिए, ठीक है। Travis Hershey noted that these inner and outer restraint form a person's self-control which prevents acting against social norms. The key to developing self-control is proper socialization, especially early in childhood. Children who lack this self-control, they may grow up to commit crimes and other deviant behaviors. Ye clear hai aapko concept? Bilkul sahi hai ji. अच्छा, उसके बाद आती है नेक्स्ट थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी। जैसे कि हम कहते हैं ना, चोर का बेटा चोर होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक लेबल लग जाता है, लेबल लगने की वजह से आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट बन जाती है, आपको उसी चीज से रिकग्नाइज किया जाता है, ठीक है। अ टाइप ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शन labeling theory concerns the meaning of the meanings people derive from one another's labels, symbols, actions and reactions. This theory holds that behavior are deviant only when society labels them as deviant. As such, confirming members of society who interpret certain behaviors as deviant and then attach his label to individuals determine the distinction between deviants and non-deviants. Jab society hi aapko label laga de to usi tarah ka behavior show karna shuru ho jata hai. बिल्कुल ऐसे ही। लेबलिंग थ्योरी क्वेश्चंस हु अप्लाइज व्हाट लेबल टू होम, व्हाई दे डू दिस एंड व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेबलिंग, तो ये सारे उसके इंपैक्ट्स बताए जाते हैं। पावरफुल जी कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे अकर होते हैं ना, कि जैसे अगर मैं आपको कह दूं आप छोटी हैं तो वो जाहिर बात है आपके बिहेवियर में वो चीज डेवलप हो जाएगी, अगर आप कहें कि आप सच्ची हैं तो बहुत अच्छी हैं तो वो एक लेबल लग जाएगा, आप उसी तरह बनने की कोशिश करेंगी। पावरफुल इंडिविजुअल्स विद इन सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल डॉक्टर्स एंड सो फॉर्थ टिपिकली इम्पोज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेबल्स। अब जो अहम शख्सियात हैं उनको उन्हीं नाम से जाना जाएगा। लेबल पर्संस में इंक्लूड ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स, क्रिमिनल डिलिंक्वेंट्स, डिलिंक्वेंट्स होते हैं कि जो कि कम उम्र में जो यंग ऑफेंडर्स होते हैं ना उनको डिलिंक्वेंट्स कहा जाता है। Prostitutes, sex offenders, retarded people, and psychiatric patients, to mention a few. The consequences of being labeled as deviant can be far-reaching. Social research indicates that those who have negative labels usually have lower self-images, are more likely to reject themselves, and may even act more deviantly as a result of the label. ये questions यहाँ पर मैंने mention किए हैं, end पे आपको guess भी मिल जाएगा, लेकिन ये most probable क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके पेपर में इंक्लूड है। क्लियर है आपको? बहुत क्लियर है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा है, ये नोट फॉर्म में आ जाता है, ये है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप कहते हो ना कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरा कल्चर तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी आ जाती है और एक तरफ की आ जाती है इनफीरियोरिटी आ जाती है। जब आप अपनी कल्चर को सबसे अहम मानते हो और कहते हो कि मेरे अलावा ना और कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ये एथनोसेंट्रिज्म है, ठीक है जी। मतलब जैसे कि सोसाइटी में अगर जट है तो जट लोग कहेंगे कि हम ही अच्छे हैं, तो वो उनमें भी एथनोसेंट्रिज्म आना चाहिए। फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस तो मैं सबसे बेहतर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंट्रोडक्शन। एथनोसेंट्रिज्म इज द व्यू दैट वंस ओन कल्चर इज बेटर देन एनीवन एल्स कल्चर। इट मींस दैट एवरी कल्चर कंसीडर्स इटसेल्फ सुपीरियर टू अदर कल्चर्स। Even within a society, different social groups are ethnocentric against one another. This feeling of superiority upon others is universal among nations, groups, and the individuals. Concept clear hai aapko? Bilkul clear hai ji.
Interpretation of term ethnocentrism. Ethnocentrism is the act of judging another culture based on preconceptions that are found in the values and standards of one's whole culture. आप अपने ही कल्चर को एक पैरामीटर, एक बेस बना देते हो कि जो मेरे वैल्यू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही रहेगा ना, वही है कल्चर या वही चीज है, यूनिवर्सल ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना लेते हैं इसमें, ठीक हो गया. ओरिजिन. द वर्ड एथनो कम्स फ्रॉम ग्रीक एंड रेफर्स टू अ पीपल, नेशन और कल्चर ग्रुपिंग, व्हाइल सेंट्रिक कम्स फ्रॉम लैटिन एंड रेफर्स टू द सेंटर. मतलब एक ग्रुपिंग आपने बना ली है और उसी को आपने मरकज बना लिया. The term ethnocentrism then refers to the tendency for each society to place its own culture patterns at the center of things. Definition: Horton and Hurd. अच्छा, इसमें हम different आप sociologists के नाम पढ़ेंगी. आप ये भी कर सकती हैं कि दो नाम याद कर लीजिएगा sociologists के, तो हर जगह आप वो use करते जाइएगा. और हर question में kindly आपने एक diagram लाजमी बनानी है, diagrammatical representation. पेपर ये आसान होते हैं, stress लेके नहीं करना, आराम से करना. ठीक है. Ethnocentrism is the habit of every group of taking for granted the superiority of its culture. For granted लेते हैं आप हर एक को. ये भी sociologist का नाम है. View of things in which one's own group is the center of everything and all others are scaled and weighted with reference to it. अब ये जो मैं heading use करने लगी हूँ ना, ये तीन दफा आपने use करनी है. सबसे पहले characteristics, फिर advantages, फिर functions. ये तीन headings आपके. It encourages social solidarity in groups and in society by which the forces of cooperation become stronger. It provides protection to group members by creating sense of belonging among them. Those members who are weak, poor, hopeless and helpless are encouraged by joining hands of ethnocentrism with them. It means it provides compensation to the people of low status. एक तो unity पाई जाती है जब आप एक दूसरे से cooperate करेंगे, फिर जो कमजोर लोग होंगे ना वो भी की कोशिश करेंगे ताकि एक दूसरे को compensation provide कर सकें. ठीक है. It promotes nationalism and patriotism among the members of society because it stimulates the spirit of belonging to the society and culture claiming superiority to others. Caste, brotherly and blood groups developed by ethnocentrism in which marriage and other social relations are facilitated. ठीक है? ठीक हो गया. या फिर negative impact दो दफा ये use हो सकता है. सही है. ethnocentrism इसको जी creates... इसको breakups कैसे करने हैं? यानी आप जो कह रही थी कि अभी इसको diagram में करने हैं, मुझे आदत नहीं है diagrams की, तो वो किस तरह से थोड़ा सा मुझे explain कर देंगी आप? अगर आप कहेंगी ना तो मैं आपको diagrams इसकी बना के दे दूंगी. ये मैं खैर आपको एक handout दिखा देती हूँ. ये मैंने इस तरह ब्रेकअप करके दिया था स्टूडेंट्स को कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके, या अगर इस तरह भी आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको मजीद तोड़ के आपको दे दूंगी, कोई मसला नहीं है. मैं आपको इसका बना के ना कल हैंडआउट भेज दूंगी. प्लीज काइंडली ये कर दीजिए. कोई मसला नहीं है. क्योंकि आपने टेक्निक सीखनी है कि आप किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, किस तरह से आंसर में आपने इसको प्रेजेंट करना है. सही है जी. Ethnocentrism creates tight boundaries among various social groups. The intergroup relations are hampered due to prejudice against one another. इस तरह से ये होता है ना कि आपका सिर्फ अपने ही बंदे की तरफ रुझान रहता है, आप न्यूट्रल रहकर फैसले नहीं करते. The process of social relation among various groups gets slower. इससे जो socialization का procedure है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. जैसे अमीर है, अमीर ही लोगों में बैठना पसंद करेंगे. ठीक है. जैसे सुन्नी सुन्नियों में, शिया शिया में होते हैं जी. बिल्कुल सारे रिलीजियस एथनिक ग्रुप्स जो भी है सब. ठीक है. ठीक है. ठीक है. आप एग्जाम्पल में एड भी कर सकती हैं इसका. The prejudice created by ethnocentrism creates conflicts and tension among various groups. The social forces of cooperation face problems in their operation. इस तरह ये होता है कि सोशली ना अंट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप न्यूट्रल रहकर तो फैसले नहीं कर रहे होते. आप कहते हो कि अपने ही ग्रुप को आपने प्रायोरिटी देनी है. ठीक है. Ethnocentrism limits an individual in a small social group to which he belongs. He remains within the limits of that group and is not influenced by the general social changes happening around him in the society. देखें,
सोसाइटी के साथ चलने के लिए आपकी भी रेवोल्यूशनरी थिंकिंग होनी चाहिए, चेंजेस को आप में अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए. उससे क्या होता है कि आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं होते. इन्फ्लुएंस होना जरूरी है अगर पॉजिटिव चेंज है ना सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए. ठीक है. द नेशनल डेवलपमेंट इन जनरल इज स्लो डाउन इन सच कल्चर्स वेयर एथनोसेंट्रिज्म इज एम्फसाइज्ड इन बुक्स न्यूज़पेपर्स रेडियो एंड टेलीविजन. एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविटी ये भी साथ पूछ लिया जाता है. अब वो एथनोसेंट्रिज्म तो आपको क्लियर है कि जिसमें आपका जो जजिंग क्राइटेरिया है अपने ही कल्चरल पर्सपेक्टिव से होता है. अगर आपका कल्चर के मुताबिक कोई उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो वो सबसे यूनिवर्सल माना जाएगा. लेकिन कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी बिलीव्स हैं कस्टम्स कल्चर्स के हवाले से वो अपनी जगह सब ठीक है. मतलब अगर चाइना का ट्रेडिशन है ना वो अपनी जगह वो भी ठीक है, पाकिस्तान का भी ठीक है. मतलब आप रिलेटिविटी सबको मान रहे हो, इसमें कोई सुपीरियर का नहीं है. एथनोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म आर टू कंट्रास्टिंग टर्म्स दैट आर डिस्प्लेड बाय डिफरेंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. Simply put, ethnocentrism is defined as judging other groups from the perspective of one's own cultural point of view. Cultural relativism, on the other hand, is defined as the view that all beliefs are equally valid and that the truth itself is relative depending on the situation, environment and individual. हाँ जी, clear? जी बिल्कुल. अच्छा जी, और question करना है? नहीं अभी आप इतना मेरा ख्याल है, इसको आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसको रिवाइज कर लूंगी. चलें ठीक है, मैं आपको मेल कर रही हूँ. मैं इसका आपको ग्रामेटिकली थोड़ा सा शॉर्ट बुलेट्स पॉइंट्स बनाती हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव भी शेयर करूंगी. आप कहेंगी तो ऑब्जेक्टिव भी साथ में खुद पढ़ाती जाऊंगी. ठीक है जी, थैंक यू. ठीक है. हाँ जी, लेक्चर समझ आया आपको? बहुत इंटरेस्टिंग था जी, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह हो जाएगा, दिसंबर में पेपर हो जाएंगे, इसीलिए वो जब बात हुई ना तो मैंने कहा यही ऑप्शन रख लें.